पब्लिक भी अट्रैक्ट हो उससे और आपके जो कस्टमर हैं वो भी बार बार आए, तो इससे एक तो आपकी जो मार्केट है वो भी और ज़्यादा डेवलप होगा, साथ ही नोएडा के बारे में भी लोग और अच्छा जानेंगे समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक प्रेजेंटेशन से, क्योंकि उसका नहीं था, मैं प्रिंटआउट ले आया हूँ। इसको हम प्रोजेक्टर के माध्यम से इस तरह से करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टर लाइट्स हैं ये पोल्स पे इंस्टॉल होंगी और नीचे फोकस करेंगी, तो ये इसमें अलग अलग पैटर्न बनेंगे। तो ये पूरा आपका सेक्टर 18 के जो कॉरिडोर हैं, जहाँ पे फुटपाथ हैं, लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, तो वो उस पर चलेंगे। तो इससे एक तो लोगों की पैदल चलने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो एक जगह गाड़ी पार्क करके पैदल चलेंगे, उसको देखेंगे और ब्यूटीफाई तो हो गई होगा। दूसरा, एक सावित्री मार्केट के पास में ये सैंपल के लिए हैं, होगा पूरे सेक्टर में जहाँ जहाँ फुटपाथ कॉरिडोर है सब जगह होगा। इसको हमने इस तरह से मॉडिफाई करने का प्लान किया है। इसमें नीचे फोकस लाइट है, प्लस आप वॉल पे देखेंगे, वॉल पे एक डॉट पैनल से एलईडी बनी हुई है। नीचे फोकस लाइट हो गई, इसमें पैटर्न अलग अलग होंगे, नीचे फुटपाथ पे जो है पैटर्न अलग अलग होंगे, और वॉल पे एलईडी डॉट पैनल बनाया हुआ है। इस पे एड भी चल सकता है, मार्केट का नाम चल सकता है, कोई डिजाइन चल सकता है, कोई फेस्टिवल है उसकी थीम चल सकती है, अलग अलग थीम चल सकती है। ये सेम है, ये कुछ बिल्डिंग्स को हमने डॉट पैनल के थ्रू डेकोरेट किया है। जैसा कुछ बिल्डिंग्स को डॉट पैनल के थ्रू, इसमें बिल्डिंग ओनर्स की हमें कंसेंट चाहिएगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। फुटपाथ पे तो हम कर सकते हैं बिना कंसेंट के, पर अगर बिल्डिंग पे जाएंगे तो फिर हमें बिल्डिंग ओनर से या एसोसिएशन से हमें रिटर्न में चाहिएगा, तभी हम प्लान कर पाएंगे। तो आज की मीटिंग में हमने जो प्लान किया है, तीन टावर हमने प्लान किए हैं, जेओपी प्लाजा, कृष्णा अपना प्लाजा एंड चौकानी स्क्वेयर, क्योंकि इनका व्यू फ्रंट से है और पूरे एरिया से दिखाई देगा। ये इस तरह का हम करते हैं, अगर आप सहमत होंगे तो हम इस पर करेंगे। इसमें कोई रेवेन्यू मोड भी हो सकता है, क्योंकि कॉस्टली है डॉट पैनल, कोई रेवेन्यू मोड भी हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट चल सकता है, प्लस सेक्टर 18 मार्केट में आपका वेलकम ये मैसेज चल सकता है, फेस्टिवल थीम, वो कुछ भी हम चीज़ें कर सकते हैं। और एक म्यूरल, ये अपने आप इतना हाईलाइट हो गया कि आसपास ये दिखाई देगा। ये एडजस्टिंग टॉयलेट है आपका, उसके ऊपर प्लान किया गया है। ये आपका पार्किंग के पास वाला टॉयलेट, क्योंकि वहाँ स्पेस थोड़ा मिल रहा है इसलिए प्लान किया है। इसके अलावा कुछ काम हम जीआईपी और डीएलएफ के बीच वाला रोड, जो फिल्म सिटी से आके अंडरपास तक आता है, उसके भी हम प्लान कर रहे हैं। बड़े वाले, ये सिर्फ सैंपल के लिए छोटा है, बड़े वाले पॉट्स इल्यूमिनेटेड, इसका ग्रुप बनाकर 15-20 का दो तीन जगह इस तरह का लगाएंगे। एक ये चीज़ है, इस रोड पर जो ट्रीज हैं उनको इस तरह से डेकोरेट करने का प्लान है। ट्रीज को डेकोरेट करना, ये वेस्ट प्लास्टिक को मोल्ड करके उसके अंदर लाइट लगाकर, ये कुछ मॉडल्स हैं जो डीएलएफ के बाहर और जीआईपी के बाहर जब पब्लिक मूव करती है या टैक्सी के लिए वेट करती है, गाड़ी के लिए वेट करती है, वहाँ पे इसको लगाने का प्लान है। तो इस तरह के दो तीन पॉइंट्स वहाँ पे लगाए जाएंगे, तो हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, इससे वेस्ट टू वंडर वाला और ब्यूटिफिकेशन अपने आप ही हो जाएगा।
ये हमारे प्लान है कि सेक्टर 18 के अंदर और सेक्टर 18 के बाहर रोड को पूरे रोड को हाईलाइट करना, ये हमारा प्लान है। इसमें आप लोगों का सुझाव है तो वो आमंत्रित हैं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। अथॉरिटी का पर्पस आज की डेट में जैसे जैन साहब और आप सब लोगों को जानकारी है कि ऐसा नहीं है, पहले जैसा होता था कि एक एस्टिमेट बन गया, काम हो गया, आप लोग उसे बेनिफिशियल हुए या नहीं हुए। आज की डेट में हमारे सीईओ मैडम का, सीईओ महोदय का ये निर्देश है कि आप लोगों के साथ चल के आप लोगों के विचारों को और सुझाव, क्योंकि एक्चुअल यूजर आप ही हैं, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसमें जो भी सुझाव आपके आते हैं तो हम उसको इंकॉर्पोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि अभी गौरव जी ने दिखाया है कि इस तरह से लाइटिंग मार्केट में होगी, निश्चित रूप से इससे हमारा फुटफॉल बढ़ेगा और लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। साथ ही जैसे सुझाव की बात है तो मेरे सुझाव था कि जो हमारे तिकोना पार्क में एम्पी थिएटर है वहाँ पर तो जो लाइट एंड साउंड शो होते हैं उस टाइप से कोई प्रोग्राम इवेंट होती रहे जिससे कि लोगों को वहाँ जाकर थोड़ा गैदरिंग हुआ करे। अभी उस इंसान वहाँ पर इस तरह के कोई काम हाथ में लिए जाएँ। और साथ ही एक मैंने अभी आते ही आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारी हाईलाइट बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में ट्रांसफार्मर्स रखे हुए, उन ट्रांसफार्मर्स को हटा के उनको भी जैसा कि बाकी सारी मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है वैसा ही डेवलपमेंट उस जगह भी होना चाहिए। उसके लिए जो भी काम कर रहे हैं वो किए जाए, जिससे कि अभी पिछली मीटिंग में ये बात हुई थी तो इसमें मिनट्स में सारे काम ले लिए गए थे, तो उन पर भी साथ साथ ध्यान दिया जाए क्योंकि ये भी एक ऐसा हिस्सा है जो कि पूरी मार्केट में मजमदार है, तो वहाँ पर एंक्रोचमेंट भी है वो भी साथ साथ कर देंगे, ये सारे काम भी करने हैं, इसको भी साथ साथ विचार किया जाए। और इसके अलावा जैसा कि आपने जो गमले वगैरह दिखाए हैं लाइटेड हैं वो पूरी मार्केट में अंदर जो GFJ ब्लॉक है उसमें अगर पूरे में सारे में साथ साथ लगें तो उससे और ज़्यादा खूबसूरती होगी। हम लोग एवरी सैटरडे या संडे जो भी दिन आप डिसाइड करें, सैटरडे करेंगे तो सैटरडे इवनिंग में हम लोग कोई प्लान कर सकते हैं या सैटरडे मॉर्निंग इवनिंग सैटरडे तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, बट उसमें आपका आप लोगों का पार्टिसिपेशन जरूर चाहिए कि वहाँ पे लोग आए। हमने एक दो बार 18 में किया है बट वो खाली रहा है, तो या तो हम आपको साथ नहीं दे पाए। एक्चुअली जो किया गया है वो मटेरियल पार्किंग के पास किया है जो कि पार्किंग से थोड़ा आउट है, इसलिए हम तिकोना पार्क में कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग ऑलरेडी सेंट्रल प्लेस तिकोना में हम करते हैं प्लान, आपको भी साथ लेंगे और आप लोग आप भी कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँचे, चाहे आपके कस्टमर हैं, फैमिली हैं या आपके शॉपकीपर हैं। सेंट्रल प्लेस इसमें इलेक्ट्रिक जो है डिजिटल मैप लगाओ, जैसे जो नोएडा में हम लोग घुसते हैं ये सारे गेट हैं इसके, जैसे नदियों के ऊपर अलकनंदा इस टाइप के जैसे 18 के गेट कर दिए जिसमें कुछ लाइटिंग कर दी जाए। और जो है जैसे एप ब्लॉक था तो जो लोग हैसल करते हैं ना इधर से उधर दूसरे, तो उसमें डिजिटल मैप आजकल आ रहे हैं, डिजिटल मैप में कि एप ब्लॉक नंबर कर सकते हैं एनटीसी ये भी है, मतलब मेरी 18 की काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, वो जो टी है ना वो स्टेट कर दी जाए क्योंकि वो टी से बहुत कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि हम लोगों को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो DLF को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, वो जो टी जाएंगे बाकी सब ये इलेक्ट्रिकल हाई राइज बिल्डिंग का है, मैं इसको नहीं देखता हूँ, दूसरे डिवीजन है GNF 4 से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपके मिनट से भी आ जाएगा। ये लाइटों में इशू है तो इमीडिएट बताइए, इमीडिएट कराइए उसको, जो पुरानी वाली लाइटें हैं वो मैं देखता हूँ, पुरानी GNF 4 से हैं आप भी दिखा दीजिए, पुरानी जो भी लाइटें बंद हैं पुरानी इशू है कि नई में जो बंद है वो चलती है, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं का, वो मैं दोनों को कॉर्डिनेट करके मैं करा दूँगा, वो इमीडिएट हो जाएगा, वो इसलिए खाली एक निवेदन है कि जैसे आप पूरे एरिया को पैसेज को लाइट कर रहे हैं ब्यूटीफाई कर रहे हैं जैसे लोग वॉक कर सकते, ये तीन ब्लॉक होने की वजह से इधर पैसेज रुका हुआ तो इसमें तो अगर फ्री हो जाएगा तो इसमें पैसे लेकिन वो सिविल का इशू इशू तो है लेकिन डेवलप होना आएंगे वो आएंगे माध्यम सब लोग आए। अभी हमारे भी गौरव बंसल जी थे और उन्होंने G20 के अंदर जो लाइटिंग 18 मार्केट में होनी है उसकी पूरी प्लानिंग हमारे सामने रखी है और उसमें कुछ सुझाव हमने दिए हैं वो मैं हम भेज देंगे, तो मैं इंद्र प्रकाश जी से चाहूँगा कि वो इन सभी गांवों पर जो हमने भेजेंगे वो
थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे जिससे कि वो काम भी हो जाए। मैं कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जैसे कि मार्केट में ट्रेन लवर्स बहुत ज़्यादा चल रही है, ये समस्या बहुत टाइम से चली आ रही है। देखा भी अभी कल ही गया है जब तो मार्केट में तो यही दिखा, बहुत ज़्यादा लवर्स चोरी हो रहे हैं। इस बीच में हम पीछे पुलिस अधिकारियों से भी मिले थे, उन्होंने कुछ चोर पकड़े भी थे लेकिन वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनका कहना यह था कि इन पर कितने भी कार्रवाई करें लेकिन हमें सेफ्टी चाहिए। कि आप जो कवर लगे वो लोहे के ना हो जिससे कि उनकी चोरी हो गई, और वो आरसीसी वगैरह बना के इस तरह का डिजाइन बनाए जिसमें कि बीच में से खाली एक छोटा ढक्कन को रुके और बाकी सब कवर को फिक्स रहे, तो इस तरह की समस्या का एक ऐसा समाधान ढूंढना है जिससे कि इस चोरियों का रुकाव हो। दूसरा, मैं आपके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इन रेस्टोरेंट्स का अपना एक काम है, इनके साथ कहीं ना कहीं एक पेनल्टी का विषय चलता है, क्योंकि हम लोग आपके साथ मिलके काम करते हैं और सभी लोग आपसे मिलते जुलते रहते हैं। तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कोई कमियाँ हैं वो आपस में बैठ के निपटा ली जाए, उन्हें पेनल्टी लेवल पे नहीं लाए। ये थोड़ा ऐसा विषय है कि धीरे धीरे करके पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस विषय पर आपका हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोगों को यहाँ पर आप आगे काम करने में दिक्कत ना होने लगे। कोई व्यवस्था ऐसी आपस में हो जानी चाहिए जिससे कि ऐसे प्रयास जो लोग काम करने आए हैं वो काम भी करें और जो भी नियम हैं उनका अनुपालन करने में आपका साथ दें, तो वो दोनों काम साथ चलें। जो हो सकता है वो ज़रूर हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार नहीं हो पाती हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पेनल्टी उस पर ना लें। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि लोग वैसे तो हमारे जैन साहब ने काफ़ी रिक्वेस्ट कर ली है इंद्रकुमार साहब से कि माफ़ी के लिए, लेकिन माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है इंद्रकुमार साहब कि कोई परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए इन रेस्टोरेंट ऑनर्स को, जिससे कि रोज रोज की ये चिट्ठी खत्म हो जाए, कि हमें पता चले कि भाई हमारा पैरामीटर ये है, हमें गाड़ी से भेजना है या हमें मशीन से उसका निस्तारण करना है, उसका एक डिसाइड हो और हम सारे रेस्टोरेंट वाले मिलके उसको एक बार उसका जो चार्जेज हैं या जो तरीका है वो किया जाए। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई कंपोजिट एक मशीन लगा दी जाए, यदि हम उस प्लांट को लगाते हैं इंडिविजुअल सारे लोग लगाते हैं तो हो सकता है हमारे पास जगह है, किसी के पास जगह नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट मॉल के अंदर हैं उनके पास जगह नहीं है मशीन लगाने के लिए, वो मशीन इंडिविजुअल लेवल पे कैसे लगेगी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन है अगर हम लोगों ने बात भी की किसी से तो वो जगह रखने की नहीं, बहुत बड़ा इशू है। जैसे अभी हमारे मॉल वाले ने बोला कि आप मशीन नहीं रख सकते भाई, अब खुले में हम रख नहीं सकते, अंदर तो रखी नहीं जाएगी, हम फिर भर गए। अब या तो हम सारे रेस्टोरेंट बहुत से छोटे रेस्टोरेंट जो 60 मीटर के हैं उनके पास जगह ही नहीं है, जीरो जगह है, वो मशीन कहाँ रखें और फिर उसमें थोड़ी स्मेल इशू तो रहते ही, तो कोई ऐसी जगह निर्धारित की जाए या कोई ऐसी गाड़ी निश्चित की जाए जो रेस्टोरेंट वालों के लिए हो एक्सक्लूसिव, दो गाड़ियाँ सुबह शाम उनके चार्जेज चाहे ज़्यादा हों और ये इससे पेनल्टी से भी मुक्ति मिल जाएगी उन लोगों को, और पेनल्टी तो कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा है ना सब, ये तो बार बार बंदे ला के पेनल्टी और मशीन चल रहा है, मशीन 4 लाख की है पेनल्टी 15 लाख हो गई, तो मशीन तो मैं कल लगा लेंगे। तो मेरा आपके सामने निवेदन है कि मतलब इस विषय पर कोई ठोस मतलब तरीका ढूंढा जाए। कल मेरी जन साहब से यही बात हो रही थी, हम लोगों का मुद्दा इन रेस्टोरेंट वालों का ही है कि गंदगी भी ना फैले, G20 की और जो हमारी मैडम सीओ साहब का है कि भाई ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा, उसमें पूरी तरीके से साथ है, तो आई होप यू विल डू बेटर सर। सवाल हमारे दिमाग में अभी भी है और हम डिस्कस कर रहे थे नेविगेशन ऑफ द सेक्टर 18 मार्केट, कहीं लिखा हुआ है कि ये सेक्टर 18 की मार्केट है, किसी को पता है कि मैं मार्केट के पास से गुजर रहा हूँ या घुस रहा हूँ या निकल रहा हूँ। सो जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट खास तौर पे G20 के आने से इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ी प्रायोरिटी दी जा सकती है, जैसे हम बात कर रहे थे सर कि वी कैन हैव सम वेल आर्किटेक्चरली डिजाइंड गेट्स
और सेक्टर 18। वी कैन डिसाइड 4, 5, 3, 2, वी कैन डिसाइड मेन वन, लेफ्ट वन, सब गेटवे और व्हाटएवर। ऑल्सो अगर मैं इससे थोड़ा आगे भाव में ना जाऊंगा, मार्केट की जो मेन रोड आती है फिल्म सिटी, वो पूरी बड़े अच्छे तरीके से गुरुद्वार से ये यहाँ तक क्लैब स्टोन क्लैड से दीवार बनी। मार्केट की ज्योग्राफी को अगर स्टडी किया जाए तो जैसे ये बीकानेर बिल्डिंग है, इनके आगे दीवार की ज़रूरत शायद नहीं। तो एक अगर जहाँ जहाँ दीवार की ज़रूरत है, अगर कुछ ऐसा कंकॉक्टेड सिस्टम बन जाए और कुछ गेट डिफाइन हो जाए, तो इसमें सिक्योरिटी की भी मदद हो सकती है। इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ एटोपॉइंटी, द गेट्स कैन बी क्लोज। सो एक तो नेविगेशन है ही नहीं मार्केट, नोबडी नोज व्हाट इज सेक्टर 18 मार्केट, वेयर डज इट एग्जिस्ट, डज इट एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड। दूसरी हमारी गुजारिश सर है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी अच्छी अच्छी मार्केट्स में हर ब्लॉक के ऊपर एक इलेक्ट्रिकली लिट जो है बोर्ड्स लगे होते हैं, जिसमें लिखा होता है जी ब्लॉक। और बाहर की मार्केटों में देखा होगा, बल्कि उसमें स्लाइड्स लगे होते हैं कि ये जी ब्लॉक है, उसके ऊपर नीचे बोर्ड होते हैं G1, G2, G3, G4, G5, G17। और हम जो सोच रहे थे, जो बाहर के मुल्कों में भी देखा है हमने, कि उसके अंदर जो स्लाइड्स हैं वो दुकानदार अपनी खुद डलवा सकते हैं। तो जी ब्लॉक G1, G2, G3 प्रोविजन है, लाइट अंदर है, जो दुकानदार G1 का है वो उसकी स्लाइड बना के उसमें इंसर्ट कर, और जब कोई किराए पे है चला जाता है तो दूसरा आ जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ अपडेट रहेगी और कस्टमर्स को बड़ी कन्वीनियंस होगी, एक जगह पे खड़े खड़े ही उनको पता लग जाएगा कि ये गेट है। और एक हमारी सर बहुत पुरानी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, कि भारतवर्ष का झंडा दिल्ली में बहुत जगह लहराया गया और हमारा जो एम्फी थिएटर है, इट लुक्स लाइक ए क्रेमलिन स्क्वायर, इट्स ए ब्यूटीफुल स्पॉट, चारों तरफ इसकी बिल्डिंगें हैं, अगर इसमें झंडा लहरा दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है वो मार्केट की शोभा को बढ़ाएगा, हमारे दिलों को बढ़ाएगा, नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ाएगा, देश के बारे में सोचने के लिए। तो ये छोटी सी गुजारिश है सर, आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, तो ये हमारी गुजारिश अगर कर दें, मार्केट की आइडेंटिटी हो जाए, नेविगेशन हो जाए और भारत माता की जय करुणा की वो अपने विचार रखें और व्यापारियों के बीच विश्वास को बढ़ाएं। यहाँ पर उपस्थित सुखकर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जैन साहब, अन्य पदाधिकारीगण और मार्केट के सम्मानित सदस्य, जिन समस्याओं पे अभी बात हो रही थी, इन समस्याओं पे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जहाँ तक पहली समस्या है फाइन लगाने की, फिलहाल मैंने जो है कोविड के बाद कोई भी फाइन नहीं लगाया, कोविड के पहले ही मैंने एक बार अभियान चलाया था और मैंने समझाने का प्रयास किया था, अथॉरिटी का कोई उसमें रोल की बात नहीं थी, बल्कि जनरल जो हमारे यहाँ सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ऑलरेडी ये नियम है कि 50 किलो से ज़्यादा जिसका भी गीला कूड़ा होता है उसे स्वयं निस्तारण करना चाहिए, ये कंपलसरी है। हम क्या करते हैं कि उठा के डोर टू डोर की एजेंसी को पकड़ा देते हैं। आप सोचिए कि डोर टू डोर आपसे पैसा लेता है, आप उसको पैसा देते हो कूड़ा उठाने के लिए, वो फिर उस कूड़े को उठाने का हमसे भी पैसा लेता है, और उसके बाद वहाँ जो बायो रेमिनेशन जहाँ हो रहा है वहाँ ले जाके वो डालता है,
जो बायो रेमिडिएशन होता है उसका भी अथॉरिटी पैसा देती है। पहली बात तो दिमाग में यह रखना है कि अथॉरिटी की का अपना कोई पैसा नहीं है, किसी भी सरकारी संस्था का। उसके पास जो भी पैसा है वो आपका पैसा है। तो आप प्रपोजल बना के तो किताब इस तरीके का मॉडल है, इस तरीके का हम यहाँ बनवाना चाहते हैं, और नहीं तो फिर यही तो किताब आप गेट लगवा दो, आप ही लगवा दो, तो जो अथॉरिटी से जैसे जैसा भी होगा उसके हिसाब से लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पहले एक दिन हम लोग मीटिंग करें और फिर चाय पानी करके और फिर निकल जाए, फिर भूल जाए तो वो फिर नहीं हो पाएगा। आप जो है आज ही डिसाइड कर लीजिए ये तीन चार मुद्दे हैं और आप अलग से बैठ के तय कर लीजिए आप इतना लगाएंगे, इतना प्रतिशत हम लोग लगा सकते हैं। कुछ आगे आइएगा तो हमें वहाँ पर सीओ मैम को भी मूड बनाने में थोड़ा सुविधा होगी। बात समझ रहे हैं? तो इससे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा आगे आइए, आप थोड़ा सा आप 10% के लिए आइए, 20% के लिए आइए, 5% के लिए, कुछ तो लगे कि आपकी भागीदारी है। नहीं तो फिर सरकारी चीज जैसे होती है वैसे सरकारी हो जाएगा, प्लांट लग भी जाएगा और फिर वो सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा रहेगा, एक और जगह घेर लेगा नोएडा में जहाँ पर इतनी महंगी ज़मीन है। तो आप आगे आइए, एकदम मेरा आपसे वो है कि आप। दूसरा रह गई सफाई की बात, तो देखिए आपके यहाँ के लिए इसीलिए इसको मैम ने नो वेंडिंग जोन घोषित कर रखा था। अभी उन लोगों के लिए ज़मीन खोजी जा रही है कि थोड़ा सा आसपास में ही कहीं मिल जाए, थोड़ा सा अलग एरिया, तो हम सेक्टर 18 को उससे मुक्त कर देंगे। तो अपने आप काफ़ी कुछ तो गंदगी उनके मतलब नीचे जो व्यापारी रहते हैं ठेले वाले और वो लोग रहते हैं, प्रॉपर तरीके से डस्टबिन वगैरह और ये सब, क्योंकि रेस्टोरेंटों से तो गंदगी बाहर नहीं आती है, तो इसलिए जो जो सड़क पे लोग लगाते हैं उनके हिसाब से भी काफ़ी गंदगी आ जाती है, तो वो चीज़ तो वैसे रुक जाएगी। तीसरा, हाँ ये मैं भी बहुत सहमत हूँ कि जो कियास्क दिए गए हैं उनकी सीमा उनके कियास्क तक ही रहनी चाहिए। उसके चारों तरफ जो लगाए हैं वो मैं राहुल साहब से बोल चुका हूँ कि उसे सबको एक बार बता दीजिए कि वो लोग जो है अपने ये किनारे किनारे फैलते जा रहे हैं। मतलब यहाँ तक की शिकायत मिली थी कि कुछ ठेलों को लगवा के उनका भी किराया वसूला जा रहा है, तो वो चीज़ और भी गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। कियास्क है तो इसीलिए उसको नो वेंडिंग जोन घोषित करते हुए 10 कियास्क बनाए गए, और पता लगा कि वो सारी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि वो सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे कि छोटी जो चाय वगैरह की दुकान या उस तरीके की चीज़ें हैं, चाट वगैरह की दुकानें, उसमें हो जाएंगी आपकी मार्केट। लेकिन अब दूसरा ही चक्कर हो गया, बाकी जो थे वो तो बने ही हैं और जो क्यास बने उसके चारों तरफ भी 8-10 तो जो है ठेले लग जा रहे हैं और वो लग जा रहे हैं। अरे एक दो चेयर वगैरह चलिए रहे कि कभी कोई बैठ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज उस वहाँ टेबल कुर्सी और पूरा वो सारी चीज़ें लगाने का न तो नियम है और नहीं लगना है, जो प्रावधान है उसके तहत ही होगा वो मैं उसे रह दूँगा। और कोई समस्या हो तो बाकी हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं, आप जब कभी कोई समस्या आती है इसको हम कराएंगे। ये जो अभी आपने बताया कि कहीं कहीं छोटी मोटी जो है मरम्मत, जैसे सीढ़ी का कुछ टूट गया है या कहीं जो है वो पटरी की जो है वो इंटरलॉकिंग टूट गई है, तो नेचुरली उसके कारण भी ज़्यादा गंदगी दिखती है और उस पर फिर झाड़ू लगाने में भी समस्या है। तो वो मैं अभी राहुल साहब से कह के, वो आपके आपके द्वारा प्रोग्राम में वो ऑलरेडी बना हुआ है सारा कुछ, वो सारा कुछ हो जाएगा तो वो करा दिया जाएगा, और बाकी जो भी समस्या आएगी तो हम आपको एक है। छोटी सी अभी विकास सिंह बोला और हमारी सारी मांगें मानी हैं, साथ साथ जो बात अभी कंपोस्ट मशीन के ऊपर हुई है, कहीं हमारा बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हम शायद यही चाह रहे थे कि आपस में कोई जो मशीन लगे उसमें कैपिटल का कोई शेयर हो जाए, तो उस टाइम गौरव बंसल जी दिख रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा प्रस्ताव हो जाता है तो निश्चित रूप से वो मार्केट के लिए भी अच्छा रहेगा और
धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे और एक वाजिब पैसा अगर सब लोगों के ऊपर पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये काम करने में आसानी होगी। हम दोबारा से आपके साथ इस बारे में मिलेंगे, फिर से एक बार मीटिंग करेंगे और इसको कैसे धरातल पे लाया जा सकता है उसके प्रयास करेंगे। दूसरी बात जो सेल्फी पॉइंट्स की हुई थी, सेल्फी पॉइंट्स के लिए फिर से हमने एक आपस में विचार किया है, उसके ऊपर भी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। और जो भी काम है, चाहे वो गेट का काम है या कुछ भी काम है, क्योंकि तो बीच में एक बहुत बड़ा पीरियड कोरोना का निकला है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्यापारी नहीं कर पाते। सबसे जो हमारा बड़ा विषय है कि अपने पहले लॉसेस को, पहले बैकलॉग जो है उसको पूरा करना होता है, उसके बाद ही हम आगे कहीं कोई प्रयास कर सकते हैं। एक निश्चित है कि अब समय आ रहा है तो हम लोग उस बारे में भी प्रयास करेंगे और आपके साथ बैठ के जो भी रास्ते निकल सकते हैं वो निकालेंगे। फिर से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी पेनल्टीज लगी हैं उन्हें कृपया वापस करा दें, बाकी हम आगे आपके साथ लगे रहेंगे।